अब जस्ट इमेजिन हमने इस ग्रीन वाली कैंडल को ले लिया, इसने एक स्विंग लगाया था। अब यहां से मार्किंग्स गिरने स्टार्ट होंगी नीचे की तरफ, जिसने स्विंग लगाया है। एक एक करके कैंडल्स को मार्क करेंगे, जैसे कि ये। अब यहां पर इस ब्लैक वाली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग कर दी, हम इसको मार्क कर लेंगे। अब आगे देखिए, 1, 2, 3, 4, यहां पर प्राइस हमारा स्टक है। और किस तरह से 5th ऑफ मई की कैंडल के लो पर सपोर्ट्स लिए गए हैं, और कैसे हमारी जो 4th मई की कैंडल है इसके हाई से प्राइस ने रिजेक्शंस दिखाए हैं। हमें ये तब तक वेट करना होगा जब तक के 5th ऑफ मई के नीचे प्राइस क्लोज नहीं कर देगा, तब तक हम 5th ऑफ मई को मार्क नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई? इस ग्रीन वाली कैंडल ने, हमारी जो 5th मई की कैंडल है, इसने 4th मई की कैंडल के नीचे क्लोजिंग कर दी है, इस वजह से हमने 4th मई की कैंडल को मार्क किया है। अब क्या 5th मई की कैंडल को नीचे की तरफ क्लोज किया गया? हाँ, कर दिया गया, 12 मई को किया गया। ठीक है, अब हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। जो कैंडल टूटेगी वो कैंडल मार्क हो जाएगी। अच्छा, ये वाली जो कैंडल हमारी ब्रेक हुई है, ये लाइक 12th ऑफ मई की कैंडल, 12th ऑफ मई की कैंडल को हम तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक कि ये कैंडल ब्रेक नहीं हो जाएगी। जब तक कि कैंडल ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्क नहीं होगा। तो उसके पहले हमारी जो 5th मई की कैंडल है, यहीं से आपको रिजेक्शंस देखने हैं, इसी एक जगह से कैंडल्स को देखना है। ठीक है, अब फिर से हम देखेंगे प्राइस लो पर आ चुका है, टूट गया है यहां पर 17th मई। अब 17th मई जैसे ही क्लोज हो जाएगा, हम इस कैंडल को मार्क कर लेंगे। और वापस से 18th मई की कैंडल देखिए, फिर से ये वाली कैंडल, अगेन ये वाली कैंडल। आप देखो कि ये कैंडल्स फॉर्म हो जाने के बाद आप मार्क नहीं कर रहे हो, कि ऐसा नहीं है कि हमने इसे मार्क कर लिया जस्ट न, हम 12th ऑफ मई को तब तक मार्क नहीं करेंगे जब तक हमारी 17th मई की कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेक नहीं कर देगी। तब तक हम प्रीवियस मार्किंग के थ्रू ही काम करते रहेंगे। देखिए कितना अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ से, एक एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस पॉइंट मिल जाता है, ये मार्केबल एरिया होता है। अगेन डाउन, अगेन डाउन। अब यहां से जितनी भी मूवमेंट्स हुई हैं, इनसे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कल टाटा मोटर्स को अगर हमें देखना है तो कहाँ से देखना हो सकता है। ऐसे प्राइस के अंदर लोअर लोस और लोअर हाईस फॉर्म होते हैं, और इस तरह से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट लोअर हाई, नेक्स्ट लोअर लो कौन सा बनेगा। अभी SI नाम को हम क्या समझे, SI 402, यहाँ पर आप अपना लॉजिकल लिम प्रिंट कीजिए, लॉजिकल लिम पुट कीजिए। वीरेंद्र, आप जरा माइक म्यूट कीजिए अपना। हेलो सर। वीरेंद्र साहब, आपने ट्रेड क्यों नहीं किया? सर, जो आप लास्ट क्लास थी उस जिसमें आपने बोला होगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए, वो मैं ले नहीं पाया। मिस कर दी थी क्लास, मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था, आपने फिर रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग हमसे शायद डिमांड की थी। हाँ, लास्ट क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग किसी को सेंड नहीं की गई। अच्छा, तो उस वजह से फिर किया नहीं। चलिए, वीरन को तो रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई थी, फिर भी अभी एक सेकंड रुकिएगा। सचिन जी, लास्ट वीक कितने ट्रेड किए? सर टोटल 5 ट्रेड किए लास्ट वीक। 5 ट्रेड है। स्टॉप लॉस कितने गए पूरे वीक में? स्टॉप लॉस तो एक भी नहीं गया सर, स्टॉप लॉस के नजदीक ही ट्रेड रहा, 2 ट्रेड मेरा, बाकी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। वेरी गुड। टारगेट्स? हाँ ना, स्टॉप लॉस दिया ना सर। ओके, और एक चीज ये देखिएगा कि अभी जो हम लोग अपना फोकस करेंगे पूरी तरह से स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने पर होगा। स्टॉप लॉस अगर हाँ सेफ हो रहा है तो हम यही मान करके चलेंगे कि आपका वो ट्रेड सक्सेसफुल है, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। वो हो सकता है सर, 5 में से 1 ट्रेड में तो एंट्री ही नहीं मिला सर, तो टोटल 4 ट्रेड अच्छा, एग्जीक्यूशन। ओके 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 ओके, ठीक है। टोटल 4 है, 4 के अंदर एक में स्टॉप, एक में फिलहाल स्टॉप लॉस तो किसी में भी नहीं है। नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करोगे आप, सेम सिस्टम कंटिन्यू करोगे, नेक्स्ट वीक टारगेट्स मिलेंगे। कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन, किसी भी ट्रेड को लेकर? नहीं, डाउट तो कुछ नहीं था सर, क्योंकि हम्म, मैं भी देख रहा था कैंडल, एवरी कैंडल को मैं फाइंडर सर्च कर रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, ओके, वेरी बट डाउट कुछ आया नहीं, क्योंकि मैं सब कैंडल को रीड कर पा रहा था इस सभी ट्रेड। गुड। और जो 5th लास्ट ट्रेड थी इंडियन ऑयल की, उसमें रेक्स फॉर्मेशन बना था डे फॉर, तो मैं बस वेट कर रहा था कि जो लेवल को ब्रेक किया है मेरा,
लो लेवल को ब्रेक किया, उसमें सेल कर रहा था, जो लो लेवल को ब्रेक करने का वो ब्रेकआउट होना जरूरी था, तो ब्रेकआउट हुआ नहीं, वो सीधा ऊपर की तरफ, तो वो ट्रेड मेरा हो नहीं, बाकी ऐसा कुछ डाउट आया नहीं किसी भी। ओके सचिन जी, कंटिन्यू सेम चीज सेम एक्सरसाइज आप नेक्स्ट वीक भी कंटिन्यू करो लाइव मार्केट में, जैसे आपको लास्ट वीक भी आपने शायद क्वेश्चंस किए थे हमसे, मतलब लाइव मार्केट में कहीं पर भी रुक जाएगा या फंसेगा तो लाइव मार्केट में बिल्कुल ऐसे ही सेम जो आपने लास्ट वीक किया कंटिन्यू करिए। अच्छा है सचिन, चार जितने ट्रेड आपने किए हैं लास्ट वीक सभी में स्टॉप लॉस आप प्रोटेक्ट करके गए। मनीष जी माइक म्यूट करिए अपना। मनीष जी टोटल कितने ट्रेड किए हैं, सर मैं लास्ट वीक में 3 ट्रेड लिए हैं सर मैंने स्टॉप लॉस टोटल। कितने दिए? सर एक में स्टॉप लॉस गया है और दो ओके मेरे सक्सेस हो गए। तो स्टॉप लॉस का भी रीजन खैर मुझे समझ में आ गया, एक्चुअली मेरी थोड़ी मिस्टेक हुई थी, दो अच्छा सर प्रोटेक्ट हो गए, स्टॉप लॉस गया। वेरी गुड। तीनों ट्रेड को लेकर के जो पूरे वीक किए हैं तीनों ट्रेड को लेकर के कोई डाउट? नहीं सर ऐसा मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, चलिए ठीक है, सेम चीज आप कंटिन्यू करोगे फिर। क्योंकि एक्चुअली यस हाँ हाँ एक अडानी एंटरप्राइजेस में लिया था जिसमें मेरा स्टॉप लॉस गया था, हाँ हाँ लेकिन वो वॉलेटिलिटी में हिट हुआ है सर, मेरे को ऐसा लगता है। वो बहुत अप एंड डाउन मूव लिए थे सर उससे, तो ओके अप साइड भी था मूव उसमें, डाउन साइड भी था, तो उसमें स्टॉप लॉस 17 को लिया था सर मैंने इसमें। लेवल क्या था डे टाइम फ्रेम सर मेरा डेली टाइम पे का है 1880.10, 1880? यस सर अडानी एंटरप्राइजेस में, तो 1880 1880.10 इसमें सर मैंने शॉर्ट सेलिंग की तरफ लिया था एक ट्रेड मेरा एंट्री। आपने एग्रेसिव ट्रेड लिया था? नहीं सर मैंने इसमें एंट्री ली थी मेरी 12:05 की कैंडल में। एक्चुअली इसका सर मैंने ये कंटिन्यूअसली एक ही एरिया में सर प्राइस रुका हुआ था, और 12:05 पे सर मुझे थोड़ा नीचे क्लोजिंग मिला था, तो उस पर मैंने लिया था, सही है, परफेक्ट है, और बिल्कुल। 1880 के ऊपर मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के रखा था, 1-2 रुपए का बफर, लेकिन हाँ, बाद में ऊपर चला गया सर प्राइस। सही है, सही सही है, पूरा ट्रेड सही, कोई कुछ कुछ हो नहीं है, इसके पूरा परफेक्ट ट्रेड है, ओके सर यस, बस यही स्टॉप बाकी दो मेरा ओके ओके। जेन्युइन स्टॉप लॉस है, बिल्कुल सही। एक चीज याद रखिएगा सभी लोग, स्टॉप लॉस देखिए दो तरह के होंगे, एक तो अडानी एंटरप्राइजेस की तरह स्टॉप लॉस होगा कि आपने अपनी तरफ से बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड किया है। अब यहां पर अगर आपका स्टॉप लॉस जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जेन्युइन स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये बहुत प्यारा एक सपोर्ट एरिया है जो मनीष ने मार्क किया है ना, प्राइस ने जैसे लो तोड़ा, हम लोगों ने रिट्रेसमेंट पर अपनी एंट्री ले ली, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड है ये, परफेक्ट ट्रेड है। और सबसे जो सही बात है स्टॉप लॉस जो गया है वो जेन्युइन स्टॉप लॉस है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अच्छा कुछ स्टॉप लॉस होंगे कि जो आप अपनी गलती से दोगे, मतलब कि आपकी मार्किंग भी सही नहीं होगी, आपकी रीडिंग्स भी सही नहीं होंगी, और लोअर टाइम फ्रेम पर बिल्कुल आप बस ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे और वहां स्टॉप लॉस चल जाएगा, तो वो गलत स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस दीजिए लेकिन कंडीशन यही है कि स्टॉप लॉस अडानी एंटरप्राइजेस की तरह होना चाहिए, मतलब कि स्टॉप लॉस सही स्टॉप लॉस हो आपका, वो जेन्युइन स्टॉप लॉस हो। ठीक है मनीष जी, अच्छा है, तीन किए हैं आपने, तीन में एक एसएल किया, दो में टारगेट लेकर के गए, परफेक्ट है। मयूरेश जी माइक म्यूट। गुड जी इवनिंग मयूर सर। गुड इवनिंग, टोटल ट्रेड बोलिए अपना। मैंने 5 ट्रेड लिए। ओके स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस नहीं करे सर। वेरी गुड, टारगेट्स सब में 1:2 और 2 का टारगेट मिला है। ओके तो मुझे एक दो डाउट थे, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो एंट्री रिट्रेसमेंट पे मैं लेता हूँ, मैं जब तो रिट्रेसमेंट वो कहाँ तक होती है ये मालूम नहीं पड़ता। मतलब कभी कभी जब मतलब क्या होता है कि मोमेंट जब मोमेंटम रहता है ना, तो वो ज्यादातर रिट्रेस नहीं होता है। मतलब कि उसका जो जिस कैंडल पे मतलब हमारी जो फॉर्मेशन है उस पर जो वॉल्यूम फॉर्मेशन होती है, जो हाईएस्ट वॉल्यूम वगैरह होते हैं, तो ऐसा एक्सपेक्ट होता है कि वहां पर अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो वहां तक वो रिट्रेस होना चाहिए, क्योंकि उसके आसपास तो आना चाहिए। पर उसमें मोमेंटम इतना होता है कि वो मतलब कि आगे आगे बढ़ता जाता है, मतलब जो भी मोमेंटम जिस साइड से होता है, ऐसा एक प्रॉब्लम है। तो ये एक है सर, और दूसरा एक मेरा मैंने पहले ऑब्जर्व किया है। पहले पहले इसको क्लियर कर लीजिए, देखिए काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है, सभी लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, एक ही एरिया है, अब हमें इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना है, हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस रिट्रेस हो तो हम यहां पर एंट्री लें, बट प्राइस ने यहां पर क्लोजिंग कर दी, अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस मेरा रिट्रेस हो, बट ये रिट्रेस नहीं हो रहा है और यहां से सीधे नीचे गिर गया। कई बार ये जो रिट्रेसमेंट छोटा सा आप देख रहे हो ये भी नहीं होता है, सही बोल रहे ना, बराबर से सही ये। प्राइस सीधे नीचे गिर जाएगा और हम वेट करते रह जाते हैं कि प्राइस यहां तक आए, कोई बता नहीं सकता ये कि प्राइस का जो रिट्रेसमेंट है ये कहां तक हो सकता है।
हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, हमारे मन में ये क्लियर होना चाहिए कि प्राइस ने एक बार नीचे की तरफ क्लोजिंग कर दी, अब हम रिट्रेसमेंट पर ही अपनी क्वांटिटीज लेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज ये स्टॉक इसको जहां जाना है चला जाए। ये तो हो गया पहला तरीका। लेकिन इस तरह के जब आप 150-200 ट्रेड्स देख लोगे तो आपको ये चीज समझ में आने लगेगी कि यहां पर करना क्या है। अभी तक हमने जो इसके अंदर एक्सपीरियंस किया है प्रैक्टिस के टाइम में जो हम करते थे कि प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया आप वैसे ही यहां पर एंट्री लोगे, लेकिन हमें इसके अंदर क्वांटिटीज पुट करनी है 100। ये लीजिए, हमें ब्रेकआउट के बाद में इसके अंदर क्वांटिटीज पुट करनी होती है 100। हम क्या करते हैं, यहां पर करीब 30 क्वांटिटीज का ऑर्डर लगा देते हैं, 30% 30% क्वांटिटीज हम इस जगह पर अपनी एक्टिव करते हैं, और जब प्राइस रिट्रेस होकर के अपसाइड की तरफ जाएगा हम बची हुई 70% क्वांटिटीज को एक्टिवेट कर देते हैं। इससे एक फायदा यह होता है कि पूरे मोमेंटम को हम हाथ से नहीं जाने देते, 30% क्वांटिटीज को हम यहां पर सेफ कर ले जाते हैं, और अगर अगर प्राइस हमारा रिट्रेस नहीं हुआ यहां तक तो बाकी की जो जितनी भी 30% क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी मेरी कंटिन्यू रहती हैं। यहाँ के लिए मोरल ऑफ द स्टोरी कि इस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं ये हम नहीं बता सकते कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस होगा या कहाँ तक नहीं होगा। प्राइस जैसे ही नीचे की तरफ आया आपको लग रहा है मोमेंटम्स क्योंकि फास्ट होते हैं, बड़ी कैंडल्स फॉर्म होंगे तो थोड़ा सा प्राइस बिल्कुल आपका, क्योंकि आपको जो एंट्री ली वो यहाँ पर लेनी है, प्राइस थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाकर के अगर आपको घूमता फिरता नजर आए या आपको लगे कि नहीं अब प्राइस में चांस नहीं है ये अपसाइड की तरफ जाएगा, आप 30% क्वांटिटीज को यहाँ पर मार दो, ट्रेड कर दो, 30% क्वांटिटीज लगा दो, और बाकी जैसे ही प्राइस आपका आपके लेवल को टच करता है ना बाकी 70% क्वांटिटीज यहाँ पर लगा दो और ट्रेड करो। ये एक तरीका हो गया। और दूसरा ये कुछ करना नहीं है, ये कुछ नहीं करना है, प्राइस नीचे जा रहा है रिट्रेस होगा 100% हम यहीं पर मारेंगे, ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं, जाने दो उसको जहां जाना है। समझ में आ रहा है ना मयूरेश, हाँ सर, सिर्फ इतना सा काम करना है। सेकंड क्वेश्चन ये था सर, जो हमारा डिक्रीजिंग लो या टू वॉल्यूम बार डिक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग लो है, तो ये कंसेप्ट जब होते हैं ना तो मोस्टली 3 फॉलिंग ग्रोथ जब फेल होता है तो, और ये कंसेप्ट होता है तो वहां पर क्या होता है सर कि हमारी जो मार्किंग होती है ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है, मतलब प्रैक्टिस में भी ये ऑब्जर्व किया कि वो जो ओपनिंग रहती है वो जब हम एक्सपेक्ट करते हैं या ग्रीन कैंडल होनी चाहिए रेड कैंडल होनी, फॉर्मेशन वही होता है पर स्टॉक उस लेवल से ऊपर ओपन हो जाता है और वो जो भी एक्टिविटी होती है उस लाइन पर नहीं होती है सर, मतलब कैंडल वगैरह रिजल्ट वगैरह सेम रहता है, मोमेंट वो उसी दिशा में जाएगा, रेड कैंडल एक्सपेक्ट है रेड कैंडल बनेगी पर हमारी जो एक्टिविटी जो पॉइंट ऑफ एक्शन रहता है वहां पर नहीं बनता है। ऐसा हर बार नहीं होता जो चीज़ अब, हाँ ऐसा हर बार नहीं होगा, हो सकता है कि प्राइस आपका गैप अप या गैप डाउन कर दे या लेवल्स को ब्रेक करके फिर वो वापस अपने लेवल पर जाए ही ना, ऐसा होता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। जो भी आपका पॉइंट ऑफ एक्शन होता है या जो प्री डिफाइंड एरिया होता है ना वहां पर जाएगा, हम यही अज्यूम मतलब करके चलते। ओके सर, पर आप ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वहां पर वो टच करता ही करता है ऐसा, या नहीं, पास जाता है या? ये कंपलसरी नहीं है कि वहां पर टच करेगा ही करेगा, लेकिन हमारा अपना एक प्री डिफाइंड एरिया होगा ना जो अभी तक हम लोगों ने देखा है, जैसे अडानी हाँ एंटरप्राइजेस का आपने ट्रेड किया था तो ये एरिया आपने पहले से डिफाइंड करके रखा होगा, प्राइस यहाँ पर टच नहीं किया होगा, प्राइस इस एरिया पर आया भी नहीं होगा लेकिन ये एरिया आपका पहले से मार्क्ड होगा। हाँ मान लीजिए ये प्राइस यहाँ तक आता ही नहीं, प्राइस ऊपर ही ऊपर निकल जाता है ऐसे करते हुए, ये ऊपर निकल जाता है लेकिन फिर भी ये आपका तो पॉइंट ऑफ एक्शन बना हुआ है ना। हाँ सर, अब अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकल गया तो आपका मतलब क्या है कि आपने ये जो पॉइंट मार्क कर रखा है ये गलत है, ये लाइन अपनी जगह सही है लेकिन उस दिन वो प्राइस वहां तक नहीं आया, ओके है ना।
मार्किंग्स के हाँ ऊपर अपना डाउट मत करिएगा, मार्किंग्स सही है नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है उसको। हाँ नहीं, मार्किंग सही है। जो भी मैंने 5 ट्रेड लिए हैं वो मतलब के मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें से 3 ट्रेड ऐसे हैं कि लास्ट के 3 बचे के बाद ही मुझे टारगेट मिला है। वो अच्छा मेरे अच्छा एसएल के पास नहीं गए हैं, मतलब वो बीच में अटक के बैठे थे, पर वो उन्होंने जो टारगेट है वो मुझे 2:30 के बाद या 3 बजे के बाद ऐसे दिए हैं। तो ओके उसमें कुछ वो जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो सही है, उसमें तो एक ओके बिलीव मेरा हो गया है। हाँ और एक सर क्वेश्चन आखिरी है पूछने का कि हम जब ट्रेड लेते हैं और जब मोमेंटम वो टारगेट के पास जाता है तो वो हमारे एक प्री डिफाइंड एरियाज मतलब रहता है कि हाँ यहाँ पर जो स्विंग्स वगैरह रहते हैं उसके हिसाब से हम टारगेट मार्क करते हैं। तो जहाँ वहाँ पर प्राइस जाता है तो बीच में वॉल्यूम स्पाइक आते हैं, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रिवर्सल के है या वो कंटिन्यू डायरेक्शन के लिए पंप होगा से। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में आप ब्लाइंड हो जाया करो। हाँ तो वो ठीक है सर, मतलब पर हम वो कैसे मतलब आप कभी कभी आपके वीडियो में भी देखा है ये अभी ऐसा करेगा वो ऐसा हो सकता है, आप बोलते हैं मतलब वॉल्यूम स्पाइक्स वगैरह जब आते हैं तो हम कैसे उसे ठीक है, ये जो एक्टिविटी होती है, बात या पॉइंट ये निकल करके आता है कि वॉट एवर कोई भी एक्टिविटी है उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, या आप उस प्राइस एक्शन को कैसे रिएक्ट कर रहे हो। जैसे सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमने एंट्री ले ली तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। इसके बाद में अगर प्राइस कहीं पर भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो ओवर एनालिसिस करके हमें फियर में नहीं आना है कि क्या हम यहां से निकल जाएं, टारगेट का वेट करें। नहीं, ये तो ट्रेड करने से पहले ही क्लियर था, या तो हम टारगेट लेंगे या स्टॉप लॉस दे देंगे, पहली चीज। ओके सर। दूसरा, अगर कोई ट्रेड अगर हमने एग्जीक्यूट कर लिया है, मान लीजिए आपने यहां से अपना ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ये अब आपको ये देखना है सेल्फ एनालिसिस के थ्रू, या खुद आप अगर एक्सप्लोर करना चाह रहे हो खुद को, तो आपको ये देखना है कि प्राइस अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ये कहाँ कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि 915 की कैंडल का हाई और लो, दूसरा प्रीवियस डे का हाई और लो, तीसरा 325 की कैंडल का हाई और लो। प्रीवियस डे में सबसे हाई वॉल्यूम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको निकालनी होगी, उस कैंडल का हाई और लो। ये चार ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां से मार्केट रिवर्स होती है, वहां पर हर्डल्स लेती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इन पॉइंट्स को देखते ही आप निकल जाओगे। अभी हमने कहा ना, अगर प्रैक्टिस को खुद को अगर एक्सप्लोर करना है, प्राइस एक्शंस को समझना है, तो ये पॉइंट्स आप मार्क करके रखे रहोगे। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में यहां पर जैसे ही आपको रिजेक्शंस देखने दिख रहे हैं, आप एग्जिट नहीं मारोगे, आप स्टॉप लॉस दे दोगे, ये मंजूर है, बट यहां से एग्जिट नहीं होना है। ओके समझ सर। में आ रही ना बात, समझ में आ रही। हो, समझ में आया सर, हाँ, थैंक यू। चाहे जितना भी आपको बड़ा रिजेक्शन वहां पर दिखे, चाहे जो, हाँ अगर ये आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले दिख रहा है तो समझ जाओ, तब रुक जाओ, हाँ नहीं करेंगे ट्रेड। लेकिन कर चुके ओके हो उसके बाद में डर रहे हो तो ये गलत बात है। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए यहां पर हमने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, एग्जीक्यूशन के बाद में ये एक पॉइंट है, यहां से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट है। अब एग्जीक्यूट कर लेने के बाद में हमें मालूम है कि प्राइस अगर सेम डे का हाई ब्रेक करेगा तो ये भी एक हर्डल होता है। डायरेक्ट तो ऐसे ब्रेक नहीं कर देगा, कुछ हर्डल्स होंगे, लाइक प्राइस ब्रेक करने के बाद में हो सकता है रिट्रेस हो थोड़ा सा, और रिट्रेसमेंट करने के बाद ये अपसाइड की तरफ जाए। ये सारी चीजें देख करके हमें मालूम है, हमें मालूम है कि प्राइस रिट्रेस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या करें, ये अंदर से लगता है क्या करें यार, निकल जाए कि ना निकले। अब इस तरह की सिचुएशन, आपकी सांसें तेज तेज चलने लगेंगी, अपनी कैपिटल को बचा ले जाएं या क्या करें। ऐसी कंडीशन में हो सकता है आप एक बार सही साबित हो जाओ, आपको अंदर से लग रहा है कि मार्केट गिरेगी और आप निकलना ही चाह रहे थे, लेकिन ये जो चीज, ये बात हमने जो बोल दी है कि आप निकलोगे नहीं,
या तो स्टॉप लॉस या टारगेट लेकर के निकलोगे, आप मेरी इस बात से निकले नहीं, या दूसरा आप खुद भी ऐसा मानते हो कि यार अगर एक बार हमने ये देख लिया कि हमें या तो टारगेट पे निकलना है या स्टॉप लॉस पे निकलना है, आप खुद भी इस बात को मान रहे हो, वहीं ये दोनों चीजें हो गई ना, वहीं आप लाइव मार्केट में हो और लाइव मार्केट में आपके मन में क्या चल रहा है, इतनी बड़ी एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, क्या होगा ना कि प्राइस ऐसे 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 करके थोड़ा सा नीचे आएगा, ये होगा फलाने, मतलब आपके अंदर आपकी कहानी चलने लग गई मयूरेश। हाँ सर, आपके अंदर ही आपकी कहानियां चल रही हैं, तो होता है सर ऐसा। हाँ ऐसा होगा, बट आपको लग रहा था मार्केट नीचे चली जाएगी, लेकिन आपने कुछ कुछ सोच करके खुद को रोके रखा और प्राइस नीचे आ गया, उसने आपको स्टॉप लॉस ले लिया। अब पता है क्या होगा, रीग्रेट होता है। हम कह ही रहे थे कि मार्केट नीचे आने वाली, हम माने ही नहीं, पता नहीं किसकी बात में आ गया, क्यों आ गए, नीचे आ गई मार्केट, हम कह रहे थे नीचे आ जाएगी, ये नीचे आ गई, क्यों नहीं निकले, खुद के ऊपर सवाल उठेंगे आपके। अब अगली बार क्या होगा कि जैसे ही आपको लगेगा कि मार्केट नीचे आने वाली, वैसे ही आप फट से एग्जिट कर दोगे, लेकिन उस दिन मार्केट नीचे नहीं आएगी, वो ऊपर चली जाएगी। इस कंडीशन में आपकी खुद का जो आपका सिस्टम होता है, आपकी जो खुद की स्ट्रेटजीज होती है ना, वो डगमगाती है, वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिलती है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। इन सारी चीजों को जब आगे चलकर के आप देखोगे तो अपने मार्केट में एक वर्ड बहुत फैंसी उसमें यूज होता है, वो होता है साइकोलॉजी। आई नीड टू स्ट्रॉन्ग माई साइकोलॉजी, होता है ना, हमें खुद की अपनी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, मेरी साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है। अब आप चाहे जितनी भी साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ लो, चाहे जितना कहीं से भी आप कुछ भी पढ़ लो, लास्ट में सिर्फ एक इसका तोड़ निकलता है, वो है कितने अच्छे रूल्स और रेगुलेशंस आपके पास हैं, और वो रूल रेगुलेशन इसी बात पर अच्छे या बुरे साबित होते हैं कि जिस रूल को आप जितनी अच्छी तरह से फॉलो करो वो उतना ही अच्छा रूल होगा। यहां पर हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आपको इन सारी गड़बड़ियों से बचाने के लिए एक ही चीज काम आएगी, वो है आपके रूल्स। एक बार अगर एंट्री ले ली है तो या तो स्टॉप लॉस या टारगेट, डर लग रहा है ट्रेड एग्जीक्यूट मत करो, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद पंडित मत बनो, उसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्या है नहीं, कुछ नहीं, ब्लाइंड हो जाओ, कुछ नहीं चाहिए हमको, ये अलग बात है। हाँ मार्केट बंद होने वाली, अब तो कुछ मिला ही नहीं, अब तो जहां प्राइस है वहीं निकलना पड़ेगा आपको, वो दूसरी चीज हो गई। लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद में प्राइस को एनालाइज मत करो, हाँ देखो, ये भी हमने आपको चार पांच पॉइंट बताया ना, डे हाई डे लो 915 325, हाई वॉल्यूम की कैंडल या करेंट मार्केट का डे हाई या डे लो, ये सब आप देख लो, लेकिन इसको देख करके पढ़ करके बहुत ज्यादा उसके अंदर साइंटिस्ट मत बनो, क्योंकि फिर गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं ओवर एनालिसिस कर लेना, बहुत ज्यादा जब पढ़ लिख जाओ, बहुत कुछ कर ले जाओ, तो फिर दिमाग बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, यहाँ नहीं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करें। ओके मयूर जी, और कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं नहीं सर, थैंक यू, समझ में आ रहा है ना जो बात बोल रहे हैं? हाँ हाँ सर। ओके सतीश जी, मैं कम्यूट की जरूरत, नमस्कार सतीश जी, हेलो, सतीश जी नमस्कार, नमस्कार जी, टोटल ट्रेड बोलिए, सतीश बोल रहा हूँ सर, दो सर पांच की है सर, पांच पांच पांच, ओके ओके, स्टॉप लॉस कितने दिए? नहीं सर स्टॉप लॉस नहीं गया सर, ओके वेरी गुड, टारगेट्स? टारगेट्स पांच में से तीन आ गए सर, दो नहीं आए, तीन आए और दो आपके साइड में रह गए, मतलब स्टॉप लॉस सभी में सेल करते हैं, स्टॉप लॉस नहीं गए सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन पांचों ट्रेड को लेकर के, कुछ एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस सर मंडे और सोमवार को और मंगलवार को जो ट्रेड किए थे वो बहुत ही कम प्रॉफिट में एग्जिट कर दिया था, मुझे टारगेट बहुत छोटा रखा था उसमें, साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, थोड़ा सा डर भी लग रहा था उस दिन,
लेकिन उसके वो दो ट्रेड होने के बाद जो उसके बाद में फिर बुधवार गुरुवार शुक्रवार को मैंने अच्छे से ऐसा डरने लगा, फिर टारगेट भी अच्छा मिला, प्रॉफिट भी बड़ा हुआ। ओके अभी कैपिटल कम है, 5,000 रुपये ही कैपिटल है, सही तो उसमें कर रहा हूँ अभी, कोई बात ज्यादा नहीं है। आज एक लोगों का कॉल आया था हमारे पास, क्या था अभी एक मिनट बताते हैं। आपका फैजल, फैजल हमारे पास करीब डेट हम आपको बताएं एग्जैक्ट 2022 में, नवंबर 2022 के हैं, मतलब अपने साथ बैच के हैं, नवंबर 2022 के हैं। आज उनका कॉल आया था तो काफ़ी देर तक बात हुई, जो भी चीज़ें वो देख रहे हैं समझ रहे हैं। उन्होंने भी सेम क्वेश्चन किया आपकी तरह कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, तो आपके 5,000 कैपिटल है और उनकी भी अच्छी खासी कैपिटल है, वो करीब इस वक्त 1.5 लाख या 1.25 लाख के आसपास की कैपिटल आई थिंक यूज़ कर रहे हैं। तो उनका भी ये था कि बहुत अच्छी तरह से जब सीख जाएंगे तब हम अपनी कैपिटल बढ़ा लेंगे। तो ऐसे ही जब बात होती रही तो बात ये आखिरी में निकल के आई कि बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे जैसा कुछ होता नहीं। आपकी नज़रों में होगा कि हमें बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन हम जानते ना हमें नहीं आ रहा उतना अच्छा। हमें आ रहा होता तो फिर हम और अच्छा काम करें तो और बड़ा प्रॉफिट निकाल लेते, होता नहीं ऐसा। कैपिटल हाँ, आइए रीजॉइन करिए सब लोग, रीजॉइन करिए, कंटिन्यू करते हैं।